भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में हमें पहला T20 मुकाबला केरला के तिरुवनंतपुरम में देखने को मिला था और ये काफी ज्यादा लो स्कोरिंग मुकाबला रहा, जहां पर इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का डिसीजन लिया था और इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम की बल्लेबाजी बहुत ही खराब देखने को मिली और सिर्फ साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 106 रन ही बना पाई, जिसके जवाब में सूर्य कुमार यादव और उनके साथ ही केएल राहुल की शानदार अर्धशतकीय पारी के दम पर भारत की टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम को 16 ओवर और 4 गेंदों पर ही 8 विकेट से आसानी से इस मुकाबले में हरा दिया और भारत की टीम ने अब इस सीरीज में 1-0 की लीड भी हासिल कर ली है। लेकिन इस मुकाबले में भारत की जीत के साथ ही हमें एक और काफी ज्यादा अजीब चीज होते हुए नजर आई, जहां पर केरल त्रिवनंतपुरम के जितने भी क्रिकेट फैंस है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, ये बात तो हम सभी लोग जानते ही है। वहां पर जितने भी भारत के टीम के प्लेयर्स हैं उनको काफी ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट दी जाती है, इसके साथ ही फैंस अपने फेवरेट क्रिकेटर्स को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और अगर उनके पास कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जिसमें कि वो अपने फेवरेट प्लेयर के पास जा पाएं या फिर उसको टच कर पाएं या फिर उनसे थोड़ी सी बात भी कर पाएं, तो इस चीज को करने के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं और ऐसी ही चीज हमें देखने को मिली इस मुकाबले के बाद, जहां पर रोहित शर्मा हमें मैच के बाद सारे फैंस को फैंस पर जाकर ऑटोग्राफ देते हुए नजर आ रहे थे और वहां पर अचानक से ही एक फैन पूरे स्टेडियम से सारी फैंस को क्लियर करने के बाद रोहित शर्मा के पास आ गया और रोहित शर्मा के पैरों में गिर गया। उसके बाद रोहित शर्मा ने उस फैन को उठाया और उसके साथ ही उन्हें ऑटोग्राफ भी प्रोवाइड किया और काफी ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ रोहित शर्मा ने उनको वापस से स्टेडियम में भेज दिया, जिससे पता चलता है कि रोहित शर्मा की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।